हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 6. क्वेश्चन 1 to 16 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. गिवन दैट ई इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एक्सप्रेस एम इन टर्म्स ऑफ ई वी जी एंड एच. हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम वैन ई इक्वल टू 2000, जी इक्वल टू 10, एच इक्वल टू 12 एंड वी इक्वल टू 20. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए पहले हमें एक्सप्रेशन नोट करना होगा कि एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है, और उसको हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एम. तो इन टर्म्स ऑफ एम जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम. ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, एम की टर्म में फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एम कॉमन ले लेते हैं. तो ये जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर, यहाँ से हमने क्या किया, टेकिंग एम कॉमन, फ्रॉम आर एच एस. तो ई इक्वल टू हमारे पास क्या आया, जो ये सारा मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड ई बाय जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू एम. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया. अगर आप चाहो तो और भी आगे सॉल्व कर सकते हो इसको. कैसे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, जो टू है ये, यहाँ पे वन लिया, एलसीएम लिया तो ये टू आया, और टू जी एच प्लस वी स्क्वायर, वन को मैंने वैसे ही रिमूव कर दिया, वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इक्वल टू एम. यानी एम इक्वल टू हमारे पास क्या आया, टू ई, जो ये इधर टू है ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, टू जी एच प्लस वी स्क्वायर. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. नाउ इसमें क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू वैल्यूज ऑफ ई जी एच एंड वी, वी गेट. अब हमें क्या क्या वैल्यू गिवन थी वो हमें देखनी होगी. टू इंटू ई की वैल्यू हमारे पास है 2000, देन जी की वैल्यू है हमारे पास 10, एच की वैल्यू है 12 एंड वी की वैल्यू है 20. ये हमारे पास इक्वेशन आई, ये हमने वैल्यू पुट की. तो यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू 2000 यानी 4000 डिवाइड बाय 12 टू 24 इंटू 10 240 प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 400, दैट इज इक्वल टू 4000 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 640. 0 टू 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 6 जा 4 1 जा, देन 0 0, उसके बाद 4 4 जा 16 और 25 4 जा, दैट इज इक्वल टू 25/4. दिस इज वैल्यू ऑफ एम, दिस इज आर आंसर. ये फाइंड आउट करना था हमें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई करते हैं अब हम. दिस इज ए पार्ट, देखते हैं ए पार्ट को कैसे करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको प्राइम नंबर के फॉर्म में लेके आएंगे, 16 और 81. तो जब हम 16 को करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा, देन 2 2 जा, 2 1 जा, यानी 2 रेज टू पावर हमारे पास 4 डिवाइड बाय 81 को करते हैं तो ये 3 रेज टू पावर 4 आ जाएगा. 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, तो ये कितना आया, 3 रेज टू पावर 4, एंड होल रेज टू पावर क्या है, 3/4. अब जो ये है इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग m रेज टू पावर n डिवाइड बाय p रेज टू पावर n, दैट विल बी इक्वल टू m बाय p होल रेज टू पावर n. ओके, ये नोट कर सकते हैं हम. तो यहाँ से क्या आया, 2/3 होल रेज टू पावर 4, एंड फिर से हमारे पास क्या, 3/4. अब दूसरा नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज़ होगा, कि अगर हमारे पास ऐसे हो m रेज टू पावर n, n रेज टू पावर p, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, m रेज टू पावर n इंटू p. तो ये क्या आया, 2/3 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया,
क्या आंसर आया हमारे पास, 2/3 raised to power 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 raised to power 3 equal to 8 एंड 3 raised to power 3 equal to 27। दिस इज आर आंसर। नाउ बी पार्ट देखते हैं, दिस इज आर बी पार्ट। सबसे पहले हम 27 को करेंगे, तो 27 आप चाहे तो साइड में करके देख सकते हैं, अदरवाइज अभी हमने किया था, 27 इज 3 raised to power 3 और उसके बाद क्या है, -2/3। अब देखिए सेम हमारे पास वही यूज़ करना है हमें, एम रेज टू पावर एन रेज टू पावर पी इक्वल टू एम रेज टू पावर एन इंटू पी, 3 raised to power 3 into -2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या है, 3 raised to power -2 दैट इज इक्वल टू, ये रेज टू पावर माइनस टू है। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे कि अगर एम रेज टू पावर माइनस एन है दैट विल बी इक्वल टू 1/m raised to power n, तो ये पॉजिटिव हो जाती है, तो 1/3 raised to power 2 दैट इज इक्वल टू 1/9। दिस इज आर आंसर। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट इज -243 raised to power -3/5। इसको सॉल्व करना है अब हमें, 243, अब ये देखना 3 raised to power 5 जाएगा, 243, 3 से किया हमने, अब ये हमारे पास क्या होता है, 3 raised to power 4 होता है, अभी हमने किया था ये, लेकिन हमें तो करना ही है, ये आपको ये करके दिखाना है साइड, 1 2 3 4 5, -3 raised to power 5 raised to power 3/5। अब हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, सेम वही एम रेज टू पावर एन रेज टू पावर पी दैट इज इक्वल टू एम रेज टू पावर एन इंटू पी, तो यह क्या आएगा, -3 raised to power 5 into -3/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आया, -3 raised to power -3। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वो यूज़ करेंगे, एम रेज टू पावर माइनस एन इक्वल टू 1/m raised to power n, 1/-3 raised to power 3 पॉजिटिव हो गई। अब जब इसका आंसर आएगा तो वो माइनस में आएगा, क्योंकि इसकी पार क्या है, ओड, अगर ओड होती तो पार जो आंसर होता है वो नेगेटिव आएगा, माइनस में, -1/27। नाउ डी पार्ट, डी पार्ट में है हमारे पास 27/8 whole raised to power -2/3। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की टर्म है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो क्या, कि -m raised to power -n equal to 1/mn, या फिर m/n raised to power -p अगर है तो इसको n, ये वाला इसकी जगह ना ये वाला यूज़ करते हैं, n/m, इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये वाला यूज़ करिए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8/27 कर दिया, तो इसकी जो पार है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 2/3। अब 8 हमारे पास क्या होता है, 2 raised to power 3, 27 होता है 3 raised to power 3 whole raised to power 2/3। अब इसको हम क्या यूज़ करेंगे, m raised to power n and p raised to power n दैट इज इक्वल टू m/p whole raised to power n। अब ये वाला यूज़ करेंगे यहाँ पे, 2/3 raised to power 3 raised to power 3/2/3। अब सेम हम इसमें यूज़ करेंगे, m raised to power n raised to power p equal to m into m raised to power m p into n। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2/3 है ये, 2/3 raised to power 3 into 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया यहाँ से, 2/3 raised to power 2 दैट इज इक्वल टू 2 2s are 4 3 3s are 9। दिस इज आर आंसर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।